अपने अंदर ऊर्जा रखो, ऊर्जावान रहो, समझे कि नहीं। जैसे चले तो लोग कहेंगे ये साउथ का हीरो चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही कहते थे कि भारत जवानों का देश नहीं है, बुढ़ों का देश है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेस व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि पढ़ने को आग नहीं अंदर से, आप मेहनत नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जीडी के लिए पढ़ना है, जीडी के लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखो, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, सपोज उसने मैथ्स बीएससी ऑनर्स कर रखा है, या उसने बीटेक कर रखी है दोस्त, या उसने किसी अच्छे कॉलेज से कोई डिग्री ले रखी है, उसके बावजूद भी उसका जो टारगेट है वो केवल जीडी है, यार ये अपने आप में क्राइम है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अच्छे एग्जाम को टारगेट करिए, आप सीजीएल को टारगेट करो, सीजीएल लेवल को, सीजीएल को ध्यान में रखकर आप तैयारी करें, तभी तो आपका सीएचएसएल निकलेगा, तभी तो जीडी निकलेगा, तभी तो सीपीओ निकलेगा, तभी तो एमटीएस निकलेगा। आपको आपको ये नहीं लगता कि जो सीजीएल का बच्चा वो तैयारी कर रहा है वो सिलेक्शन उसका जीडी का फॉर्म नहीं भरेगा, वो सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म नहीं भरेगा? तो सिलेक्शन आपका होना चाहिए जो केवल जीडी पढ़ रहा है, या सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जिसने सीजीएल लेवल तक पढ़ा है और जीडी उसने मजाक में दे दिया? तो ये थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए ना आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। ये अभी आपको पछतावा नहीं होगा, पछतावा होगा 5 साल बाद, यार 6 महीने अगर ढंग से पढ़ लेता ना, या 4 घंटे की बजाय 7 घंटे पढ़ लेता, तो आज जीडी की बजाय या सिलेक्शन पोस्ट की बजाय सीजीएल में इंस्पेक्टर होता, या किसी 4600 ग्रेड पे की जॉब में होता। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास और मेहनत करने की थोड़ी सी आग है, तो सीजीएल को टारगेट करके तैयारी करें, जिससे कि सीजीएल ना भी निकला तो कम से कम ये तो गारंटी है कि आप सीएचएसएल, सीपीओ, अभी आप एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, जीडी, ये सब निकाल पाओगे। अब तुम बैठे सबसे नीचे हो, नीची सीढ़ी पे, और सोच रहे हो कि मैं ऊपर वाली सीढ़ी से फल तोड़ के खा लूं, ये नहीं हो सकता।